बाहर निकल जाना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्लॉग। तो एक बार फिर से हमने थोड़ी सी पैकिंग कर ली है, निकल रहे हैं आज एक बार फिर से लुधियाना के लिए। पापा मामा आए हुए थे, वो लोग भी हमारे साथ ही निकल रहे हैं। एक्चुअली मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में कि शनाया का फर्स्ट बर्थडे है, यानी कि ब्रदर की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, तो हम सब उसी की सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। चंडीगढ़ से लुधियाना कोई ज्यादा दूर नहीं है, अब तो और भी कम टाइम लगता है, फिर भी कहीं ना कहीं निकलने का एक बहाना चाहिए होता है। पिछले 2-3 महीने से मुझे ब्रदर बोल रहे थे कि आए नहीं तुम लोग काफी दिनों से, तो आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि होता यही है नॉर्मली कहीं जाना होना तो कोई ना कोई काम नजर आता रहता है, सोचते हैं कि ये करके फिर जाएंगे वो करके फिर जाएंगे, लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है और इन्विटेशन आता है तो फिर सारे के सारे काम जो है आप साइड कर देते हो। और यही वो टाइम होता है जब और रिलेटिव्स भी आते हैं तो बहाने से आप सबको मिल लेते हो, और 2 दिन की इस गैदरिंग में इतनी मस्ती होती है, और ये सच में बेस्ट मोमेंट्स होते हैं जब हर उम्र का शख्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। चिकन करो, कैसी है शनाया? नमस्ते कर दो सबको। नमस्ते। कितने इतने सारे लोग एक साथ? सोच रही मैं सपने चा कि असली दुनिया सपना है। कौन कौन आया है? श्रीकांत बाहर टॉपिक को भी देखे कि ना आ गई कौन आ गई। हैप्पी बर्थडे। एंड द बेस्ट सीन इज घर के सबसे बड़े सदस्य की गोद में घर का सबसे छोटा सदस्य। यहाँ पे ना आर्गुमेंट चल रहा है कि स्किन पे क्या लगाना चाहिए। भाई बोल रहे हैं कि जायफल लगाना चाहिए, घिस के कैसे लगाना चाहिए? जायफल को घिसना चाहिए पत्थर के ऊपर, उसका पेस्ट है फिर वो लगाओ। फिर उससे क्या होता है? देखो एक भी रिंकल नहीं है उनके फेस पे और एज हो गई है उनकी 24। तो जरूर बतानी। अच्छा गैस करना आप लोग ना क्या एज होगी भाई, यू कांट गैस की एज क्या होगी, ये भी गैस कर लेना। ये कहती है टमाटर लगाती हूँ मैं अपने फेस पे। शनाया भी सबको देख कर बहुत हैरान हो रही थी कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए घर में, बच्चा डर ना जाए इसलिए किसी ने भी जल्दी नहीं की उसे अपनी गोद में लेने की, लेकिन धीरे धीरे वो सबके साथ फ्रेंडली हो रही थी। अच्छा कलगन प्रसाद जल्दी है, कलगन नहीं खाना चाहिए, ना खाइयो। टेल मी, ये तो वो है, मैंने खट्टी नहीं खाई। ये नहीं खाई ना प्रसाद ताज, आधे को खाना खड़ा होता है। तू ना खाई मैं खा लूंगी यार, मेरे पास खटास मारता है खटास। सड़क केक नु भी देखा होगा यार, फिर केक लगे। हां अच्छा केक ऑर्डर कितना कैंसिल करो ना। ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਖਾਈਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਆ ਨਖਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਡੱਬਾ ਜੀਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਖਾਊ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਆਓ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ खुशबू देख खुशबू है ना एक एक हमने उठा लिया है एक पार्टी खाने से पहले खाएंगे तीन चार पार्टी खाने के बाद सब ने तैयारियां शुरू कर दी हैं में दिक्कत है हाँ जी इधर कमरे में क्या हुआ क्या हो गया कल्ले बैठे गल्ला कर रहा है कि अपने चंगुल से बाहर निकल जाना प्लानिंग तो नहीं कर रहे हमारे परिवार के खिलाफ बिचिंग तो नहीं हो रही हमारी चुगलियां कर रहे हो तुम लोग मेरे भाई के बारे में तो नहीं कुछ बोल रहे बता दो मेरे को मेरे टम्मी के बारे में बात कर रहे मैं अपने मायके में हूँ तो मायके का ही साथ दूंगी शनाया रेडी एक दिन आएगा ऐसा बोले कि रेडी बुआ रेडी चले पता भी नहीं बेचारी की करना की होना की हो रहा है और कुछ नहीं पता मेरे बहाने तो एंजॉय आप लोग करोगे बोलो ये तो वंडर्स ऑफ दिस दिस आर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यस एक छोटा सा स्पार्क द बॉडी राइजेस बिल्ली आ गई चाशमी ठाकुर सबसे लास्ट में रेडी होके आई है तू सबसे लास्ट में तू ही आएगी वहां से हम लोग पहुंचे होटल में जहां पे एक छोटी सी सेलिब्रेशन जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी कुछ अच्छे और कुछ यादगार मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए बस कुछ क्लोज वंस थे लेकिन पार्टी बहुत बहुत अमेजिंग थी मतलब जो खाना पीना और मौज मस्ती थी जो इंजॉय हमने किया वो यादगार रहा छोटे छोटे बहानों के साथ आप जब छोटी छोटी गैदरिंग क्रिएट करते हैं तो वो शो करता है कि आपके रिलेशंस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और कोई भी जो मोमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे फादर मदर हमारे साथ होते हैं और ये वो फादर मदर हैं जो सिर्फ रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करते अपने बच्चों को रिस्पेक्ट और प्यार देते भी हैं ब्यूटीफुली केक कट होने के बाद आती है डांस की बारी डांस पार्टी के बिना पार्टी बिल्कुल अधूरी होती है ये तो खैर एक मौका था एक सेलिब्रेशन थी तब तो डांस मस्ट था ही लेकिन वैसे भी जब हम इकट्ठे होते हैं सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स तो वैसे ही हमारा डांस निकल जाता है कॉपीराइट इशू की वजह से सॉन्ग्स जो है वो कम ही रखना पड़ता है अदरवाइज मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है जैस्मिन और मेरे डांस की वो आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं मांग रही हेलो ऐदा भाई यार खरीदे बच्चे नहीं जाते नहीं तो तुम फ्री देने पे फ्री दे रही हो जा घर वाला तो करोड़ों च ना मिले मेरी कंपनी दा बड़े नहीं वापस आए तू जाके देख लो हां जी क्यों तुसी भी कुछ बोलो रह लो मेरे हेलो कुछ नहीं यार हेलो हां डू दिस
ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ? ਆਏ 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 ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ये भी गिफ्ट है, एक चेयर और एक वॉकर और एक साइकिल बाहर पड़ी है। गड्डी लुधियाने सरदार जी टॉयज इन्ने घटिया गड्डी अहीं बुक कराई, अहीं पैसे दिते 8,000 रुपए, बिल बुल कटाया, अहीं चले गए, अहीं क्या आए अद्धे घंटे तक असैंबल करके रखो। साडी गड्डी होर किसी नूं बेचती? ओह माय गॉड, ओह कहिंदे गड्डी बेचती, अहीं क्या बिल कटाया, हाल तां पैसे नहीं आए। सरदार जी टॉयज लुधियाने, मां बेकार। अगले दिन तुहानूं 3-4 बजे भेज देंगे, मैं कहा पार्टी है भेज दिओ 3-4 बजे, है ना। वह 6:30 हो गए ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੋਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਈਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਡੋਲ ਦਾ ਸੁਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। रात की पार्टी, मस्ती, खाना पीना, गिफ्ट ओपनिंग, सब कुछ किया हमने लेट नाइट तक। उसके बाद सुबह फिर से स्टार्ट हो गई पूरी एनर्जी के साथ। तो मम्मा की ये टैपिंग एक्सरसाइज आपको काफी पसंद आई है, काफी लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। मुझे कमेंट्स आते हैं अभी कि हम रोज कर रहे हैं और हमें काफी रिलीफ मिला है कॉन्स्टिपेशन से। तो आज मम्मा मेरी छोटी सिस्टर को भी सिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। आपको हमने पार्टी खाई है और सुबह हम खा रहे हैं आलू के परांठे मक्खन मार के, साथ में दही। वंशिका टेस्टी है? Yes. मेरी प्लेट में आलू का परांठा, बाय माय भाभी। ब्रेकफास्ट टेबल पे भी इनकी फाइट हो रही है, देखो को कितनी कितनी उम्रें हो गई हैं इनकी, फिर भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ते ये। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਸਾਡਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਅਭੀ ਆਮ ਖਾਈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਕੈਸੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਮ ਖਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਇਸ ਨਾ ਆਈ ਪਕੜ ਲੈ। मेरी माँ ने यहाँ पे भी पतेड़ की दुकान खोली है। दुकान खोलती है हर जगह पे, पतेड़ की दुकान होती है मम्मी की। तो ये और पत्ते आए हैं गाइस हिमाचल से, अब इनकी सफाई होगी पहले, उसके बाद इस पे बनाएंगे। और आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे इन पे मटेरियल लगाया जाता है और क्या क्या मसाले डाले जाते हैं। ये वाली डंडियाँ जो है ये मोटी मोटी, ये तोड़ देनी है, ये देखो ऐसे। इसका कहना ये है कि जो भी हमारे मायके का माल है वो दोनों बुआ को जाता है, एक छोटी बुआ को, एक मैं बड़ी बुआ हूँ, ताई सुक्के पे हैं। और इसका जो इसको जो माल मिला है वो इसके ससुराल से आया है। हाँ। चने की दाल को पीसा जा रहा है, चने की दाल में डालेंगे सारे मसाले, साथ में वो जो लौंग मसाला, हरी मिर्च और प्याज और लहसुन, ये डाली है दाल, चने की दाल पीस के, और गर्म मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे। तुमको पता है शिवानी ये परात कितनी पुरानी है, हम छोटे छोटे थे, की दहेज की परात है भाई ये वाली, सोच इसी में सालों से आटा गूंथ रहा है। मेरी माँ इन चीज़ों में बहुत खुश रहती है, अपने बच्चों को पतेड़ बना के खिलाने हो, अचार चटनियाँ बना के देनी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एज में हो, हमारे बड़े बुजुर्ग किसी भी उम्र में हो, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा काम देकर बिजी रखना चाहिए ताकि उनका माइंड जो है वो थोड़ा बिजी रहे, और जब वो बिजी रहते हैं तो वो ओवरथिंक नहीं कर पाते।
बड़ी अम्मा कैसी लगती है? बड़ी अम्मा मम्मा जो टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, वो शनाया ने भी सीख ली है, तो जब भी पूछेंगे ना कि बड़ी मम्मा कैसे करते हैं, तो झट से बताती है कि ऐसे करते हैं। जिस दिन हमको निकलना था घर के लिए वापस, उस दिन सुबह ही कुलदीप बिजी हो गए साइकिल असेंबल करने के लिए। एक्चुअली शनाया के नानू नानी ये साइकिल उसके लिए लेके आए थे, तो उसे असेंबल करने में काफी टाइम लगा। तो ये लोग अपना यहाँ पे बिजी थे, और हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, तैयारियों में बिजी थे कि हमको मायके से क्या क्या लेके जाना है। मैं लेके जा रही हूँ साथ में अपने देसी आम, और ये पपीता तो मैंने डाल दिए, नींबू, बहुत सारे नींबू लेके जा रही हूँ अपने साथ। थैंक यू शिवानी। नाना करते हम लोग लंच भी करने लग गए हैं, मतलब हम ब्रेकफास्ट के बाद निकलने वाले थे, बट ऐसे होता है। घर वालों का तो वैसे दिल नहीं होता हमें भेजने का, वो तो सुबह ही इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे करके एक दिन के लिए और इनको रोक लिया जाए। और हम बहनों का भी कोई खास मन नहीं होता वापस जाने का, लेकिन वही होता है कि आपके काम, आपकी मजबूरियां आपको अपने घोंसले में वापस लौटने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। चलो बाय शिवानी।